हेलो फ्रेंड्स, मैं एस एस राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपुरोहित हाइड्रोपोनिक पर। काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ सेटअप की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा लास्ट वीडियो काफ़ी दिनों पहले आया था, उसके बारे में आज नहीं सका, पर मैं आपसे कंटिन्यू लाइव आके जुड़ता रहा और आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता रहा। लेकिन फिर अब वापस आ चुके हैं मुंबई और काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे गुजरात में, पर कोई नहीं, खैर फिर सेटअप के पास में। और मेरा लास्ट वीडियो जैसा कि आप सबने देखा रहेगा, सेटअप पूरा बिगड़ चुका, तो हम उसको वापस रीडेवलप करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, काफ़ी सेटअप बिगड़ चुका है, तो आज हम सेटअप को किस तरह से वापस डेवलप करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले ये करेंगे, जो सेटअप में जो पानी है, जो हमारे NFT पाइप में जो सिस्टम में जो पानी है, हम पानी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो पानी अंदर पड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे जीव आ गए, क्योंकि मोटर जो ख़राब हो चुकी थी उसकी वजह से पानी चलता नहीं रहा, रिसर्कल नहीं हो सका, उसके वजह से ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम पानी को इसके अंदर जो भी है न्यूट्रन वाला, उसको पानी को पूरा खाली करेंगे और फिर से नया एक न्यूट्रन बनाएंगे, और कुछ जो पौधे हमारे पीछे बच चुके हैं उनको हम शिफ्ट कर देंगे, जो अच्छे हैं उनको व्यवस्थित कर देंगे, जो मर गए उनको हम निकाल देंगे, जो भी हमारे नेट पोट है पूरा खाली कर देंगे और फिर से नई सीडलिंग करेंगे और नया से डेवलप करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, अगर मैं यहाँ मुंबई में होता तो काफ़ी अच्छा हमारा सेटअप ग्रो कर चुका हो सकता। आपने देखा रहेगा काफ़ी टमाटर पे फ्लावरिंग भी आएगी, काफ़ी टमाटर पे फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, पर कुछ वजह से प्रॉब्लम आ गई। एक तो मोटर ख़राब हो गई, उसकी वजह से हो गई, और हमारा एक्वापोनिक सिस्टम में भी काम चालू करने ही वाला था, पर उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। हमारे काफ़ी फिश जो थे वो मर गए, क्योंकि बीच में शायद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो फिश मर गए, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। चलो खैर कोई नहीं, लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ हमें पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, तो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो चलो कोई नहीं, जो हुआ सो भूल गए और नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फिर से हम आ गए हैं और कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और आपको हाइड्रोपोनिक रिलेटेड आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं या जो नए हमारे दोस्त हैं अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया वो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड आपको एक से एक छोटी से छोटी जानकारी प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए एप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, करते रहिए, सेफ रहिए।